अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गुंदल आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको बताएं इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में और मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ये ठीक ठाक रहिए। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक नामी शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ एक शख्स ने, रावलपिंडी के रिहायशी शख्स ने जो है वो फ्रॉड किया थाना सादकाबाद की हदूद में। जहाँ तक जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो थाना सादका की हदूद में एक शख्स की जानब से इंसाफ के साथ मोहम्मद रफीक नामी शख्स के साथ जो है वो जाली चक देकर जो है वो 2.5 लाख का फ्रॉड किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या जो है वो मसले दरपेश आ रहे हैं इनको। जी सर बताइएगा, कैसे वो जो है वो चेक आपने उनको दिया और कैसे ये मामला पेश आया? वो बस मैंने पैसे दिए थे उसको 2.5 लाख रुपया। वो कह रहा था कि मैं कोई बिजनेस करूंगा, उसमें से जो प्रॉफिट आएगा वो आपको मैं ना दूंगा। अच्छा। तो उसके बाद कोई उसने महीना दो महीने बस बातचीत की, फिर उसके बाद वो मेरे साथ वो मुलाकात ही नहीं की है, ना ही वो फ़ोन अटेंड कर रहा है, ना कॉल अटेंड कर रहा है, ना मिल रहा है, तो ना कोई बात कर रहा है। इस तरीके से उसने अभी उसके मेरे पास वो स्टाम्प भी है और ब्लैंक चेक भी है, वो भी मेरे पास मौजूद है। आपके पास है स्टाम्प भी? उस बंदे ने आपसे स्टाम्प किया था? हाँ हाँ, स्टाम्प भी मेरे पास है और उसका वो जो ब्लैंक चेक है वो भी मेरे पास। अच्छा सर, मुझे बताइएगा स्टाम्प कितने अरसे पहले स्टाम्प हुआ था और क्या जो है वो स्टाम्प में क्या जो है वो एग्रीमेंट हुआ था आपका और किस तरीके से? स्टाम्प तकरीबन को 2-3 साल पहले हुआ है। अच्छा। 2-3 साल गुजर गए हैं उसको। अच्छा। हाँ, तो वो कह रहा था चलो मैं मंथली जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा वो मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके इसके बाद आपने क्या पुलिस से आपने मदद लेने की कोशिश? किसी से कोई रब्ता नहीं किया। तो अभी आप क्या हुकूमत वक्त से क्या रिक्वेस्ट क्या करते हैं? अपील ये है कि चलो रिक्वेस्ट है कि अगर मैं गरीब आदमी हूँ, अगर वो उसे ये मेरी रकम दिलवाई जाए तो मेहरबानी होगी। अच्छा जी, बिल्कुल आपको बताएं कि जो जाली लोग हैं, जो माफियाज हैं, वो सरगर्म हो चुके हैं। रावलपिंडी पुलिस को इस तरफ भी जो है वो रुझान करना चाहिए, इस तरफ भी ध्यान करना चाहिए कि जो फ्रॉडी जो लोगों के साथ फ्रॉड करके जो पैसों का जो फ्रॉड करते हैं, अब जो गरीब आदमी है उसकी जल्द से जल्द जो है वो FIR का भी जो है इंदराज नहीं किया जाता। गवर्नमेंट के आला अफसरान से मोहम्मद रफीक नामी ये शख्स जो है वो मुतालबा कर रहा है कि इस शख्स के जो चेक का जो जिस बंदे ने इनका इनके साथ जो पैसों का जो फ्रॉड किया है उस बंदे को जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसी प्रोग्राम में मुझे अपने मेज़बान तैयब गोंदल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।